नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक शानदार चीज़ लेकर आया हूँ। यदि आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, ऐप खुलते खुलते बंद हो जा रहे हैं, या ऐसी कोई समस्या है, या थोड़ा सा ही समस्या स्लो चल रहा है, तो मैं आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ और आपको समय समय पर यह सेटिंग कर देनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सेटिंग पर। सबसे पहले हम सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐप्स लिखेंगे, फ़ोन ऐप्स पे क्लिक करेंगे या सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐप दिख रहा होगा, ऐप पर क्लिक करेंगे। ऐप खुलने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद खुल जाएगा, हर एक ऐप दिखने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर क्रोम है, क्रोम चलते चलते रुक जाता है या बंद हो जाता है। क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर स्टोरेज, यहाँ कंप्यूटिंग कर रहा है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटिंग लिखा है स्टोरेज पे, यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज स्पेस क्लियर CACHE पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 441 MB फ्री में फर्जी हैं, इसको क्लियर चाचे कर देंगे, तो इससे आपका जो चाचे हो गए वो क्लियर हो जाएगा और आपका ऐप्स कायदे से कार्य करने लगेगा। हर ऐप को यही कर देंगे, डाउनलोड में जाके इससे क्या होगा, आपकी इंटरनल फाइल नहीं जाएंगी, आपकी जरूरी फाइल नहीं जाएंगी, लेकिन कैश होता है जो बेकार की रद्दी, जो रनिंग बैकग्राउंड में रनिंग करते वक्त हिस्ट्री कलेक्ट कर लेता है या बेकार की चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, वो इससे रिमूव हो जाएंगी। आप क्लियर चाचे करते जाइए, यानी हर ऐप ओपन करते। मान लिया डॉबली ऑन है, ये वॉयस रिकॉर्डर है, इसके जो है क्लियर चाचे कर देते हैं। और इसके साथ ही मान लिया कि मेरे पास जो है गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पे आपको सारी सेटिंग बता देता हूँ। स्टोरेज में जाके यहाँ पर क्लियर डाटा कर देंगे तो यहाँ साइन इन ऑफ हो जाएगा और सारा डाटा जो ख़त्म हो जाएगा, आपकी साइन इन वगैरह हिस्ट्री वगैरह ख़त्म हो जाएगी। और परमिशन, ये ऐप क्या क्या परमिशन लिए हैं, तो ये कॉन्टेक्ट को देखिए परमिशन नहीं लिए है मैंने। अगर इसको ओपन कर दूंगा ये तो कॉन्टेक्ट का परमिशन नहीं लेगा। लोकेशन, इसको परमिशन देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, मैं इसको नहीं देना। ये फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ये ऐप प्ले स्टोर वाले फ़ोन कॉल कर सकता है, परमिशन है इसको। SMS की भी परमिशन है इसको, यानी कि कोई भी OTP वगैरह आएगी तो गूगल प्ले स्टोर ले सकता है। और मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ जो अगली वीडियो में बताऊँगा, कि अगर आप मान लीजिए बहुत से ऐप होते हैं जो आपकी OTP चुरा लेते हैं, जैसे कि, तो ये वही सेटिंग होती है। यहाँ पर ऐप परमिशन में देखिए इसको SMS की परमिशन मिली हुई थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ऐप SMS की परमिशन किन किन ऐप को दें जो आपके लिए भरोसेमंद रहेंगे। थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।